तिलकद फिलुआ फ ध्यान से सुने यूं लगता है जैसे कुरान आज ही उतरा हमारे सामने के हालात हम उनके लिए करते हैं जो जमीन में तकबर नहीं चाहते और ना फसाद मैं और आप पिछले लोगों के हालात पढ़कर सीखें। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया इसकी भलाइयाँ किसको मिलेंगी जो जमीन में फसाद नहीं चाहते और तकबर गुरूर नहीं करते ताकीन। और आकेबत परहेजगारों के लिए है उन्हीं की है और नेक बन जाओ दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी नेकी नहीं हो सकी गुजर गए चालीस साल पचास साल नहीं हो सकी तौबा करो तौबा करके अब जो वक्त मयसर है उसमें अपनी तरफ से जितनी कर सकते हो करो रब को गिनती नहीं चाहिए तुम्हारे अमल नहीं चाहिए उसे तुम्हारा तकवा चाहिए कि तुम अच्छे हो जाओ चाहिए से मुराद वो तुम्हारे लिए भला ही चाहता है तुम्हारा भला चाहता है लेकिन तुम अपना भला करना चाहते नहीं नतीजे में क्या है जब अल्लाह से टक्कर लेते हो फिर आती है ख़राबी फिर होता है फसाद मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गो मुझे और आपको सोचना होगा मंजा अबिल्हासा नतीफा खैरु मिन्हा जो नेकी लाए उसके लिए उससे बेहतर नेकी अल्लाह फरमाता है जो हमारे पास नेकी लाएगा उसका बदल उससे बेहतर व मन जा अबिस तीफा फला युजा मन जा जो बुराई लाएगा बदी लाएगा तो बुरे काम वालों को बदला नहीं मिलेगा मगर जितना उन्होंने किया था इल्ला कानू या मलून यानी नेकी तो बड़ा कर देंगे बुराई करेगा तो उसी के बराबर मेहरबानी है या नहीं ये नहीं फरमाया कि अगर बुराई लाओगे तो दस गुना ज्यादा नहीं नेकी लाओगे तो उससे बेहतर बुराई लाओगे तो उसके बराबर अब समझदार को क्या करना है वो फैसला करे हमको गौर करना है अब मैं एक आयत पढ़ रहा हूं इस आयत का नंबर है पचासी एटी फाइव सूर्य कसस याद कर लें सूरह कसस की आयत नंबर पिचासी एटी फाइव इसका जितना हिस्सा पढ़ूंगा सिर्फ उतना सुन लें हो सके तो याद कर लें कल कुर बस इतना हिस्सा आयत आगे भी है लेकिन इतना हिस्सा ये याद कर लें क्या कर लें कभी मदीने जाना हो मक्का मुकर्रमा जाना हो ये जो कलमे वाली उंगली है जिसको शहादत की उंगली कहते हैं ये आयत वहां किसी दीवार पर उंगली से लिख दे उंगली से मरने से पहले वहाँ दोबारा जरूर जाएंगे मरने से पहले वहाँ दोबारा इनशा अल्लाह फरमाता है बेशक जिसने तुम पर कुरान फर्ज किया वो तुम्हें फेर ले जाएगा जहां फिरना चाहते हो वो तुम्हें ले जाएगा वहां जहां तुम जाना चाहते हो कुल रब्बी आलम मन जा मन वमन हुआ फी दिमुबी मेरे हबीब आप फरमा दो मेरा रब खूब जानता है उसे जो हिदायत लाया और जो खुली गुमरा ही में है क्या मतलब रब से किसी का हाल छुपा हुआ ऊंची कह दीजिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आखिरत का इल्म रखने वाले आपको बताते हैं कि दुनिया रहने की जगह ऊंची कितना ही माल हो अगर उस माल पे गुरूर किया ना किया अल्लाह की राह में नहीं दिया उसका कोई फायदा ऊंची मूसा ने कहा यह अल्लाह ये तौरात पढ़ता था कारून वो आपसे उस वक्त फ़रियाद भी कर रहा था जब वो ज़मीन में दसाया जा रहा था पुकार भी रहा था तो या आपने उस पर रहम क्यों नहीं किया मूसा सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की तो मेरे मेहरबान रब ने क्या जवाब दिया ए मूसा मुझे अपनी इज़्ज़त जलाल की कसम वो अगर वाकई सच्चे दिल से फरियाद करता मैं ज़रूर उस पर मेहरबानी करता वो तोबा करता मैं ज़रूर मेहरबानी करता अल्लाह ताला के प्यारे से कोई अगर बुरा करेगा तो उस पर मेहरबानी होती नहीं नमरूद रूह ज़मीन पर हकूमत मिली हुई अपने आप को खुदा समझे हुए अल्लाह ने ढील दे दी रहा है कमारा है बना रहा है अल्लाह के प्यारे हजरत इब्राहिम से टक्कर ली तो अल्लाह ने इतने से मच्छर से मरवा दिया हालांकि के खुदाई का दावा कर रहा था अल्लाह ने ढील दी हुई थी लेकिन अल्लाह के प्यारे से टक्कर ली तो फिर कुछ बचत हुई पूछ रहा हूं नहीं मूसा सलाम फिरौन सामने खुदाई के दावे बादशाही यहाँ तक के जब कहता था बारिश हो जाती थी जो कहता था हो जाता था लेकिन अल्लाह के नबी अल्लाह के प्यारे हजरत मूसा से टक्कर ली गरक हुआ या नहीं ऊंची वही रास्ता था जिससे हजरत मूसा गुजरे थे उसी दरिया में से गुजरा था जिससे हजरत मूसा गुजरे थे हजरत मूसा गुजर गए ये गरक हो गया इसकी लाश को आज तक अल्लाह ताला ने सामान्य इबरत बनाया हुआ है मगर कोई सीख रहा है पूछ रहा हूँ वो तो कब्रस्तान जाते हो तो वहाँ वो लोग सो रहे हैं जो ये समझते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं है हैं, हम हैं तो दुनिया है सो रहे हैं ना वहां पर इसी तरह जो आज जमीन पर चल रहे हैं उन्होंने भी इसी तरह चले जाना है इंसान तू किस बात पे अकड़ता है सोच मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हजरत कताद रदी अल्लाह त फरमाते हैं जब से ये कानून जमीन में धसाया गया है रोजाना एक इंसान के कद के बराबर मजीद धसाया जाता है ये उनका फरमान और कयामत तक धसाया जाता रहेगा यहाँ तक के आखिरी ज़मीन की आखिरी जो तय उसको लग जाएगा मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों अंदाज़ा करें जो अल्लाह से टक्कर ले जो अल्लाह के प्यारों की गुस्ताखी करे उसका अंजाम क्या होता है अब यहाँ एक मसला आ गया आप कहेंगे मौलाना साहब जो भी बुरा करेगा उसका अंजाम बुरा होगा मगर यहाँ कोई अगर गुस्ताखी बेअदबी भी करे तो हम कहते हैं सजा दो अल्लाह दे देगा सजा तो मेरी आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है अगर उसको सजा देने के लिए आप ये कहें कि अल्लाह सजा दे देगा छोड़ दो तो जिसने चोरी की है उसको भी छोड़ दो उसको जेल में क्यों डाला अल्लाह सजा दे देगा जिसने और कोई गुना किया आपकी फैक्ट्री लूटी है उसको भी छोड़ दो अल्लाह सजा दे देगा वहाँ तो कहते हो इसको फौरन सज़ा दो इसने बंदा मारा इसको मारो है तो जो नबी की गुस्ताखी करेगा साहबी की आलि बैत की गुस्ताखी करेगा उसको भी सज़ा यहाँ दी जाएगी आखिरत की सज़ा वहाँ मिलेगी समझ आ रही है बात तो जो लोग ये कहते हैं नहीं जी छोड़ दो तो फिर अपने मुजरिम को भी छोड़ दो ना पता चल जाए कि तुम लोग कितने मेहरबान हो अपने लिए तो कहते हो फौरन इसको सजा दें और जो पूरी मिल्लत के लिए तबाही का सामान बना उसको कहते हो छोड़ दो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कशफुल असरार किताब का नाम है उसमें लिखा है कि ये कारून रोज़ाना एक इंसान के कद के बराबर ज़मीन में धसाया जाता है कहते हैं जब यून सलाम मछली के पेट में दरिया की निचली सतह पर पहुंचे तो कानून उसी सतह पर मौजूद था उसी लेवल पर तो हजरत हज़रतून सलाम से उसने पूछा मेरे भाई मूसा सलाम का क्या हाल है उसने हजरत यूसुफ स... यूसुफ़रतून सलाम से पूछा मेरे भाई मूसा सलाम का क्या हाल है हालांकि ज़माना ये बता बज़ाहिर नहीं है तो अल्लाह ताला ने उस रोज से तारून को धसाने से रोक दिया क्योंकि उसने मूसा सलाम का नाम अदब से लिया अदब से लिया तो उसको मजीद धसाने का सिलसिला रोक दिया जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन धसाया जाएगा वल्लाहु आलम कारून के खजाने जब जमीन में दसाया गया तो बनी इसराइल के चंद कौन है होते हैं ना बाज तो उन्होंने मूसा से यह कहा कि शायद ये इसकी जायदाद पर काबिज होने चाहते हैं तो अल्लाह ने उसका खजाना भी दसा दिया अब लोग तलाश करते हैं पता लग जाए कहाँ खजाना है निकाल लें आपको कहीं पता चल जाए खजाना दफन है तो आप लालच होती है या नहीं ऊँची होती है मैंने आपको ईसा सलाम का वाक्य सुनाया था ना तीन बंदे थे सोने की ईंट की खातिर तीनों गए किसी को मिली याद है वाक्या ईसा सलाम के साथ जा रहे हैं। सोने का बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था सबने देखा तीन थे हजरत ईसा ने फरमाया मत देखो इसको उन्होंने निशानी लगा ली जगह का ना अंदाजा कर लिया अब उनके दिल में जल्दी जल्दी हजरत ईसा जाए हमें छोड़े हम वापस आके ये सोना ले लें हालांकि नबी ने क्या किया था मना किया था हजरत ईसा को जहां जाना था पहुंचा कर ये लोग फौरन पलटे तीनों आ गए उस बहुत बड़ा पत्थर आप समझ लो मन भर का दो मन का जितना भी था सोने का आ गए उसके पास लालच तमारा से हर फस्त हर सै ही लिखने वाले भी कैसे लोग थे शेख शादी फरमाते हैं तमा में तीन हरफ है तमा में ए मीम एन ए मी हेरस उसमें भी तीन है हे रे स्वाद हवस उसमें भी तीन है हे वाओ सीन पर मैं आठ सौ साल पहले छोटे छोटे जुमलों में हमें जिंदगी सिखाई तमा रात से हर फस्त में तीन हैं है हर से ती तीनों खाली है ये तीनों हरफ और इनमें नुकता भी नहीं है खाली है तो जो तमा करेगा वो भी खाली रहेगा वो कुत्ते के मुंह में हड्डी थी पानी में उसको अपना अक्स नजर आया उसने देखा कि पानी में भी एक कुत्ता है उसके मुंह में भी हड्डी है हालांकि वो उसका अपना अक्स था मगर अपने मुंह में हड्डी है लालच की कि मैं वो भी हड्डी ले लूं, तो उसके मुंह से निकली वो भी पानी वो भी पानी में चली गई उससे भी गया इंसान है लालच और मैंने आपको लतीफा सुनाया था मस्जिद है मस्जिद का एहतराम करना बंदा था ख्वाब में देखा कि उसके पास एक घोड़ा है मार्किट में खड़ा है अगले ने पूछा क्यों भाई बेचना है कहने लगा मैं लाया ही इसीलिए हूं ख्वाब देख रहा है अगले ने पूछा कितने का है उसने कहा जी पांच सौ का है वो जो सामने था उसने कहा मेरे पास सिर्फ तीन सौ है क्या है उसने कहा नहीं जी मैं पांच सौ से एक पैसा भी कम नहीं दूंगा उसने कहा है ही तीन सौ तो मैं लाऊंगा कहां से तो ये उस पर गुस्से हो गया कह दिया ना कम नहीं होंगे अब जरा गुस्सा किया तो आंख खुल गई अब ना घोड़ा है ना पैसे ना घोड़ा है ना आंखें बंद करके कहने लगा अच्छा तीन सौ ही दे दे मिलते नहीं इंसान लालच लालच कहते ना लालच बुरी बला लालच ऊंची लोग ढूंढते फिर रहे हैं कहा है मौलाना साहब कोई नक्शा तो होगा कोई जगह तो होगी क्या मतलब है खुदाई करें और निकाल लें तो पहले ही कुरान ने बता दिया वो इल्म वाले आख़िरत का इल्म वाले अल्लाह से डरने वाले वो बता रहे हैं कि अल्लाह का सवाब बेहतर है इस माल से जो रब दे उस पर शुक्र करो अल्लाह की तरफ़ से मिलने वाला सवाब इन ख़जानों से ऊँची रब पे यकीन करके देखो मेरा रब बड़ा मेहरबान है मेरे रब जैसा कोई मेहरबान मेरे दोस्तों और बुजुर्गों दूसरा सबक ये सब ने याद करना है अल्लाह के किसी प्यारे से कभी बदसलूकी उसकी बेअदबी करनी किसी बेअदब से दोस्ती करनी ये सबसे बड़ा सबक है इस पूरे वाक़े में मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों कितना नवाजा था अल्लाह ने कितना दिया था उसको मगर खानदानी होकर मूसा सलाम के खानदान का फर्द है अदब नहीं किया बोलो कुछ मिला ऊंची जाल सामने रहता था मक्का में रहता था खानदानी आदमी था दूर जाके रिश्तेदारी भी हो जाती थी मगर उसने कदर यमन में सैकड़ों मील दूर अजरत हो वैसे नहीं सैकड़ों मील का फासला है किसको मिला अदब करने वाले को जूर उधर मुंह करके फरमाते हैं मुझे इधर से मोहब्बत की खुशबू आती है और वो सामने रह गया उसने कुछ लिया नहीं पर मैं ये सुम्मत का फेरौन है तो अल्लाह वालों की बेअदबी करनी नहीं। करनी नहीं। मौलाना रूम फरमाते हैं ना अल्लाह ने किसी के पोल खोलने होते हैं ना उसके मुंह पर किसी प्यारे की गुस्ताखी आ जाती है अल्लाह के किसी प्यारे की गुस्ताखी कर बैठता है उसके पोल खुल जाते हैं फिर उसका पर्दा रहता नहीं, नहीं। और जो अल्लाह वालों से प्यार करता है उसका पर्दा रह जाता है कुछ समझ आई है जी मौलाना साहब जमाना बदल गया है हैं कारोबार है ठीक कारो है।, है आप कर लो शिकायत ना करना फिर नहीं कहना कि ये हो गया वो हो गया हमने किसी अदब करने वाले की बुरी हालत नहीं देखी और किसी बेअदब की अच्छी हालत नहीं देखी बेअदब बेनसीब बा अदब बे कोशिश करें मेरे दोस्तों और बुजुर्गों बवकते जरूरत जब आप तकलीफ में हो परेशानी में हो कहते हैं ना असली दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए अल्लाह ने क्या फरमा दिया इस के इसको कोई बचाने वाला नहीं था कानून को बचाने वाला कोई नहीं था जो उसे जमीन में धंसने से अजाब उससे दूर हो जाए किसी तरह इस तरह कोई करने वाला नहीं आज पैगाम क्या मिल गया बेअदब का कोई मददगार नहीं बदब के मददगार है अल्लाह वाले हमारी मदद करेंगे बेअदब गुस्ताख काफिर की मदद नहीं करेंगे